मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुंबई में दशहरा पर हुए गोलीकांड की बात करेंगे। मुंबई में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांद्रा में खेरवाड़ी सिग्नल के पास उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर उन पर फायरिंग हुई, जहां पर उनकी मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी शनिवार रात करीब 9:30 बजे ऑफिस से निकले थे, तभी उन पर यह हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक हमलावरों के पास 9.9 mm के एडवांस पिस्टल थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 1 आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। कुल 3 शूटर आए थे। बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी भी मिली थी। केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। तो बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई, 2 शूटर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। देखिए 9:30 बजे के करीब ये घटना यहाँ पर हुई है। उसके बाद श्री बाबा सिद्दीकी को लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। 2 संदिग्ध लोग हैं जिसे हमने ताबे में लिया है और इसका आगे इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। तो गोलीकांड से मुंबई दहल उठी और सबके मन में अब यही सवाल है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे आखिर कौन है। जिस तरीके से सरेराह बांद्रा के उस इलाके में ये पूरी घटना हुई, जो भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, और ये जो तमाम तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये बाबा सिद्दीकी की हत्या की जो अलग अलग पहलू हैं उनको दिखाती हैं। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई। शूटर आए थे, 5 राउंड उन पर फायर हुआ, जिनमें से 3 गोली लगी बाबा सिद्दीकी को, 2 गोली उनके सीने में लगी जो आर पार हो गई, और 1 गोली पैर में लगी, और उसके बाद वहां से शूटर फरार हो गए। हालांकि उन 2 शूटर्स को पकड़ा गया है, अभी 1 की तलाश जारी है। और चलिए वो आपको बताते हैं कि पूरा वाकया क्या था और कैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। ये देखिए, ये पूरी तस्वीर बन रही है। 9:00 बजे बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान अपने दफ्तर में मौजूद थे 9 बजे तक। उसके बाद 9:30 बजे अचानक जीशान सिद्दीकी को एक फोन आया और जीशान वहां से चले गए। 9:35 पर बाबा सिद्दीकी अपने दफ्तर से निकले और दफ्तर से 100 मीटर दूर गाड़ी तक पहुंचे। मिलने जुलने का सिलसिला चल रहा था समर्थकों से। बाबा सिद्दीकी के कार के पास एक बम फटा, लोग समझ नहीं पाए, और उसके बाद बम फटने के साथ ही गोलियां चलने की आवाज हुई, और फिर उसके बाद जब लोगों को समझ में आया तब तक बाबा सिद्दीकी खून से लथपथ मिले। हालांकि फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सीने में गोली उनको लगी, 3 गोली लगी थी उनको, और इसके अलावा 3 में से 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 शूटर्स को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन 1 की तलाश जारी है। फरार शूटर की तलाश की जा रही है। 2 जो शूटर पकड़े गए हैं वो यूपी और हरियाणा के हैं। 9 mm पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए। तो ये पूरी कहानी है बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे। तो अपने दफ्तर से बाहर निकले थे, एक बम फोड़ा गया, लोगों को लगा कि दुर्गा पूजा के बाद जो विसर्जन हो रहा है वहां पर पटाखे बज रहे होंगे, लेकिन अचानक से ये बम फटा, वहां पर धुआं फैल गया, लोगों को देखने में दिक्कत होने लगी, और जब तक तस्वीर साफ हुई तब तक 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को मारी जा चुकी थी और खून से वो लथपथ थे, उनको अस्पताल ले जाया गया। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से निकलकर अपनी कार के पास जा रहे थे, तभी हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया। मुंबई से हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर की यह रिपोर्ट देखिए। ये वही रेंज रोवर कार है जिसमें बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 गोली का निशान यहाँ पर है, और अंदर अगर आप आगे आएंगे, कैमरामैन प्रशांत से कहूँगा कि यहाँ दिखाए, इसी गाड़ी में उनको लाया गया था, अंदर खून के धब्बे भी हैं, और इसी गाड़ी में उनको अस्पताल लाया गया, जिससे पहले अस्पताल आने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि गोली जो है वो सीने से आर पार हुई थी और 3 गोलियां उन्हें लगी थी, 1 सीने से आर पार हुई थी, बाकी 2 वाइटल ऑर्गन्स को टच करके गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका चश्मा भी यहाँ पर है और पीछे भी खून लगा हुआ है। तो यहाँ इसी गाड़ी में उनको लाया गया था। अब पूरा घटनाक्रम आपको बता देता हूँ मैं कि करीब 9 बजे जीशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी इसी गाड़ी से वापस जा रहे थे उनके जीशान सिद्दीकी के दफ्तर से। जब वो दोनों गाड़ी में बैठे उसी समय जीशान सिद्दीकी को एक कॉल आया, और उस कॉल आने के बाद में वो गाड़ी से उतर गए बात करने के लिए। बाबा सिद्दीकी उस समय गाड़ी में बैठ रहे थे। अमूमन जब वो उनके कार्यालय से निकलते थे तो तमाम कार्यकर्ता उनके साथ में रहते थे, उनसे बातचीत करते थे, तो उस
उसी सिलसिले को वो आगे ले गए आज भी, और आज भी जाते समय कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। उसी समय गाड़ी के आसपास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि धमाका किस चीज का था ये पता नहीं, लेकिन धुआं वहां पर निकला और धुआं निकलने की वजह से वहां पर लोग समझ नहीं पाए कि आखिर किस का धमाका है और धुआं कहां से आ रहा है। बहुत ज्यादा धुआं हो गया था, लोगों की आंखों में समस्या आ रही थी, गला खराब होने लग गया था, और तभी अचानक 3 राउंड फायर हुए। जब धमाका हुआ तो लोगों को यह लगा कि पास ही में दुर्गा माता का या राम मंदिर था, वहां पर जुलूस जा रहा था, तो शायद पटाखे फोड़े गए होंगे। लेकिन जब धमाका होने के बाद धुआं कम नहीं हो रहा था और 3 राउंड फायरिंग की आवाज आई, तो लोग धुएं के बीच में गाड़ी के पास जाते हुए नजर आए और 2 राउंड फायर हुए, जिसमें से 2 गोलियां यहां पर लगी। तो जब गाड़ी के पास लोग पहुंचे, उनके कार्यकर्ता पहुंचे, तो देखा कि बाबा सिद्दीकी खून में लखपत थे। उनके साथ एक व्यक्ति था, उसको भी गोली लगी थी, उसको वहां से निकाला गया और 3 लोग धुएं का सहारा लेते हुए वहां से भागते हुए नजर आए। तो लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, वहां बहुत हंगामा हुआ, शोर मचाया गया। तो पास ही में आज दशहरा होने की वजह से बंदोबस्त लगाया गया था मुंबई पुलिस की तरफ से। तो मुंबई पुलिस की टीम जो वहां मौजूद थी, उन्होंने देखा कि कुछ हो रहा है, हंगामा हो रहा है, 3 लोगों के पीछे लोग भाग रहे हैं। तो उन 3 को पकड़ने की कोशिश मुंबई पुलिस की उस टीम ने की, दो को पकड़ने में वो सफल हुए, 3रा वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। 2 शूटर्स जिसमें से एक का नाम शिवा बताया जा रहा है, दोनों ने जानकारी दी है कि 25 दिन पहले वो मुंबई आए थे, पहली बार मुंबई आए थे, उन्हें लाया गया था,